झोपड़ी किसका आइडिया किसका है ये दिमाग देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज अकल बड़ी है या भैंस देते है सबको ये संदेश नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश बेच देते है ये इंसानों के रोम रोम किसकी खोपड़ी किसका आइडिया किसका है ये दिमाग देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज अकल बड़ी है या भैंस देते है सबको ये संदेश नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश बेच देते है ये इंसानों के रोम रोम मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु मैं अपने बाप का क्या करूं तू बदतमीजी नहीं बहुत बेहुदा किस्म के इंसान हो थैंक यू अरे कोई भला बाप के लिए ऐसा कोई कह सकता है मैं हूँ मैं हमेशा मेरे मरने की दुआ करता रहता जी बाबूजी बेटा बेटा देखो बेटो ये वो जगह है जहां मैं अपने सपने को साकार करना चाहता हूँ डैड क्या कॉन्सेप्ट है आपका एक्सीलेंट एक्सीलेंट डैड मिलियन डॉलर का आइडिया है डैड मिलियन डॉलर का डैड आई एम प्राउड ऑफ यू डैड ऐसा तो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शमशान को भी ग्लैमराइज किया जा सकता है डैड यू आर पैसा बरसेगा चारों तरफ से पैसा फ्लो आ जाएगा फ्लो आई मीन फ्लो हो जाएगा थैंक यू मेरे बच्चों थैंक यू लेकिन लेकिन मेरे बच्चों यही बात मेरे बाप को यानी कि तुम्हारे दादा को क्यों नहीं समझ में आती यार आप इसकी चिंता मत कीजिए जी की समझदारी में ये बात हम तीनों डाल देंगे हमें इस कॉन्सेप्ट को बड़े से बड़े सिटी में ले जाना होगा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग मरते हैं राइट और डैड उसके लिए बहुत ढेर सारी ब्रांचेस भी खोलनी पड़ेगी यस ना और ब्रो उसके लिए हम जल्द से जल्द एक वेबसाइट भी बनाना होगा सब तो ठीक है पर हमें जल्द से जल्द कोई ब्रांड नेम सोचना होगा जिससे हम लोग मार्केट को कैप्चर कर सकते नाम तो होना चाहिए ना अकेले शमशान बोलने से अच्छा नहीं लगेगा ना शमशान का कोई नाम होना चाहिए तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो यार कोई कोई नाम सोचो ना क्या नाम होना चाहिए लोग अपने बिजनेस का नाम अपने नामों पे रखते हैं जैसे रामलाल एंड सन तो क्यों ना हम अपने बिजनेस का नाम अपने नामों पे रखें तेरा नाम राम राम तेरा नाम निमेश 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 यस नाम सतीश सतीश सत्य मैं हरीश राम नाम सत्य राम नाम सत्य है क्या नाम मिला है ऐसा लगता है कि हम लोग यही बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हैं ब्रिलियंट यस यू आर ब्रिलियंट राम नाम सत्य है डॉट कॉम खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया है इन्होंने खुद तो भटका हुआ था ही अपने साथ अपने तीनों बेटों को भी शामिल कर लिया इस घिनौने काम में क्या इसी दिन के लिए मैंने अमेरिका भेजा था इन्हें पढ़ने के लिए
जहाँ भी जाता हूँ लोग यही कहते हैं, इतने बड़े जमींदार के बेटे और मुर्दा जलाने का व्यापार, मेरी तो गर्दन शर्म से झुक जाती है बड़े मालिक। पैसा कमाने का ये न जाने कौन सा नया रास्ता अपनाया इन्होंने, ये मनहूस ख्याल आया कहाँ से इनके दिमाग में बाबूजी? मैंने सोचा था कि मेरे पोते आकर हरीश को सही रास्ता दिखाएंगे, न जाने इसने क्या घुट्टी पिला दी उन्हें कि तीनों इसके रंग में रंग के रह गए। अब तो इसका रंग इतना गाढ़ा हो गया है बड़े मालिक, इन पे और कोई रंग भी नहीं चढ़ सकता। पर ये हरीश, ये तो हर रोज गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ना जाने कब तक इसका रंग चढ़ा रहेगा इन तीनों बेटों पर। मुझे इनके रंग में भंग डालना ही पड़ेगा। बाबूजी, इनके रंग में भंग डालिए या बम का गोला डालिए, पर रोकिए जरूर, नहीं तो आने वाले कल में सब लोग यही कहेंगे कि मुर्दा जलाने वालों की हवेली है। बहू रानी बिल्कुल ठीक कह रही हैं बड़े मालिक, लोगों की जुबान कौन पकड़ सकता है, और फिर पूरे इलाके में आपका ही नाम खराब हो रहा है ना। कौन है दुआज ने? ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि... बाबूजी आप अपने कमरे में चल के आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर अकेला तो रहे नहीं, लीली मैडम को बुला लाऊं बड़े मालिक? पहले बाबूजी के कमरे में ले चलो, बाद में लीली मैडम को बुला के लाना। ठीक है मालकिन। घबराओ मत, बहुत सख्त जान हूं मैं, आसानी से मरने वाला नहीं हूं मैं। बहू जी, बाबूजी, शीशी नंबर 12 में से मुझे एक गोली निकाल के देना जी। तुम लिली को बुला के ला। जी मालिक। अरे बहू, ये आयुर्वेदिक की गोली है, गर्म पानी करके ला। जी अभी। क्यों बे डॉक्टर अकेला, तुम तो अकेले अकेले निकल लिए और मुझ अकेले को यहाँ छोड़ गए। देख रहे हो तुम्हारे जाने के बाद मेरा बेटा और मेरे पोते किस तरह मेरी छाती पर मूंग दल रहे हैं। चौधरी मैं, पर डरो मत चौधरी, दरअसल मेरा शरीर ठीक तरह से चल नहीं पाया था, इसलिए मेरी आत्मा दक रही। पर घबराओ मत, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहूंगा चौधरी, मैं मरकर भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अबे डॉक्टर, तू मुझे मरने नहीं देगा और वो मेरा गधा बेटा और उसके बेटे मुझे जीने नहीं देंगे यार। टेंशन मत लो चौधरी, इनसे बीपी हाई हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है, अस्थमा का अटैक भी हो सकता है, और तुम्हें सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। अबे डॉक्टर अकेला, ये सारी तकलीफें झेलने का तो मैं आदी हो चुका हूँ, और ये सारी तकलीफें तुम्हारी दवाई से ठीक भी हो जाएंगी, मगर जो तकलीफ मुझे मेरे बच्चे दे रहे हैं उसका कोई इलाज है तेरे पास? है चौधरी, है,
उसका इलाज तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहो तो अपने बच्चों को सही रास्ते पे ला सकते हो। कैसी? कल मैं घूमते घूमते हरीश के शमशान की तरफ गया था तो देखा उसका लाशों का कारोबार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। अजब अच्छी तरह से चल रहा है। अब तुम भी आ गए मेरा दिल जलाने के लिए बाबूजी। अरे यार ये भी कोई कारोबार है, बात कर रहे तुम भी बाबूजी। अब किससे बातें कर रहे हैं? मैं भला किससे बात करूंगा, कोस रहा था अपने आप को और क्या। लाओ ये गर्म पानी मुझे दे दो। ओहो सर, मैंने आपको कितनी बार समझाया है आप बेकार की टेंशन मत लिया कीजिए, पर आप है कि मानते ही नहीं है। लिली, मैंने बाबूजी को 12 नंबर वाली बॉटल में से एक गोली दी। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। जाइए। ठीक है ना अभी? अब तुम आ गई हो? मैं ठीक हूँ। सब ठीक है। वाओ डैड, डैड आपके ये पैसे कमाने का आइडिया तो बिल्कुल वंडरफुल है। बट डैड आपका ये आइडिया ना इस टाउन के लिए बिल्कुल नहीं। यू आर राइट ब्रो, हमें इस बिजनेस को एक कॉर्पोरेट लुक देना होगा डैड। एक गेटअप और लुक हम बाद में भी दे सकते हैं, हमें पहले ये सोचना चाहिए कि शमशान भूमि से हम लोगों को क्या प्रॉफिट दे सकते हैं। अरे भाई साफ सुथरी जगह है, तो सूखी लकड़ियों का प्रबंध है, बैठने की सुविधा है, अच्छे बाथरूम्स हैं, और क्या चाहिए? Come on, Dad, ये सब तो बेसिक नीड है, हमें लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देनी होगी। Dad, मेरे माइंड में एक आइडिया बॉइल कर रहा है, कहो तो बकू। बकू डैड, लोग मुर्दा को जलाने के बाद उसकी अस्थियां लेने आते हैं, राइट? राइट, और उसके लिए कलश लेके आते हैं, राइट? यस राइट, तो क्यों ना डैड हम उन्हें कलश सप्लाई करें, सिल्वर का, मिट्टी का, मेटल का, और वो भी अलग अलग दामों पर। इधर आ, क्या कमाल का आइडिया तेरा। थैंक यू डैड। क्या खोपड़ी पाई है तूने? अरे बेटा तूने आज पहली बार अपने बेटा होने का हक निभा दिया। आगे लग गया। आई एम प्राउड ऑफ यू डैड। बट डैड क्या हुआ? सिर्फ कलश बेचने से काम नहीं चलेगा, तो हमें उन कलशों को मरने वालों के घरों तक पहुंचाने का काम भी करना पड़ेगा, और वो भी बाइक कुरियर। डैड, अगर हम अस्थियों को गंगा में विसर्जन कराने का कॉन्ट्रैक्ट ले लें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। क्या बात है यार, क्या आइडिया है यार, अब इतनी सुविधा मिलने के बाद तो ना मरने वाला भी मरेगा। बस मेरे बच्चों, बस बस, हमें एक अच्छी सी पब्लिसिटी चाहिए। बस डैड, एक बार हमारी वेबसाइट को एस्टेब्लिश होने दो। www.ramnamsathe.com डैड, हम सारी दुनिया पे महामारी की तरह छा जाएंगे। बट ब्रो, उसके लिए मैं प्रिंट मीडिया और रेडियो पब्लिसिटी भी चाहिए होगी। ओह डैड, मेरे माइंड में एक आइडिया है। बोलो डैड, अगर हम एक दो मुर्दों का अंतिम संस्कार टीवी पे लाइव दिखा दें तो हमारी कम टाइम में ज्यादा पब्लिसिटी होगी। और तो और, आजकल टीवी वालों के पास न्यूज भी नहीं है, हमारी न्यूज 24 आवर्स चलती रहेगी और हमारी पब्लिसिटी फ्री में होती रहेगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह, ये तुम लोगों के दिमाग में तो मेरे दिमाग से भी ज्यादा माल भरा है यार। बस 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 मेरे बच्चों, अब हमें एक अच्छी पब्लिसिटी चाहिए। बस आप देखते जाइए डैड, अब हम इस बिजनेस को कहां से कहां ले जाते हैं। अब हमारे हजारों नहीं लाखों शमशान घाट होंगे। और डैड, हम अपनी कंपनी को लिमिटेड कंपनी बनाकर सनसेक्स में ले जाकर उसे रजिस्टर करवाएंगे और पब्लिक इश्यू भी ले आएंगे। डैड, लोग हमारे शेयरों को हाथों हाथ ले लेंगे। yes. और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा और हम लोग आसमान छू लेंगे। बेटे, बेटो, आ जाओ नीचे, आ जाओ, गिर पड़ोगे, आ जाओ।
आ जाओ नीचे, आ जाओ बेटा नीचे। क्या हो रहा है? बताता हूँ। देखो बेटो, इतने बड़े काम के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए होगा, पूंजी। मेरे पास कुछ नहीं है, ठंडन गोपाल हूं मैं, और इस बिजनेस के लिए तुम्हारे दादाजी एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। दादाजी को हम ले लेंगे। क्या हो गया है? इतनी ठंड में कुएं से पानी निकाल रहे हैं। ये बात तुम्हें नहीं, उन मलेशों को सोचनी चाहिए थी। दोनों ड्रम भर दिए बड़े मालिक। बाकी की सभी चीजों का प्रबंध हो गया? वो तो मैं सांझ ढलते ही ले आया था। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बच्चों के साथ क्या होने वाला है। बहू, तुम्हारे बच्चे मेरे भी तो जिगर के टुकड़े हैं, लेकिन प्यार में अंधा होकर मैं अधर्मी तो नहीं हो सकता ना। बड़े मालिक ठीक कहते हैं, अब देख के मक्खी तो नहीं निकली जाती ना। रुक जाओ। आप बाहर क्यों बैठे हैं? सोए नहीं अभी तक? आज तो ठंडी भी बहुत है, नींद नहीं आ रही है। मेरी नींद तो तुम लोगों ने हराम कर रखी है। मेरा घर अपवित्र ना हो जाए इसलिए बाहर बैठकर पहरा दे रहा हूँ। मैं समझा नहीं, मतलब? मतलब ये कि शमशान भूमि से आने के बाद पहले उन मुर्दों की राख तो बदन से उतार लो। लेकिन बाबूजी, मुर्दे हम लोग नहीं, हमारे वर्कर्स जलाते हैं। शमशान से आने के बाद बिना नहाए घर में प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन बाबूजी, इतनी ठंड में नहाना मतलब ठंडे पानी में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बीमार पड़ सकते हैं कड़ाके की ठंड में। या ग्रैंडपा, इसने कड़ाके की कोल्ड भी? नो 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 नो, मैं नहीं नहा सकता ग्रैंडपा, सॉरी कोल्ड। बाबूजी, मेरे अमेरिकन बेटों, कितना भी रो गिड़गड़ाओ, पत्थर पिघल सकता है लेकिन मेरा बाप नहीं पिघल सकता। हेलो जी मालिक, पानी डालो इन पर, कपड़े उतारिए। चिल्लाओ, रो या गाना गाओ, मगर नहाना तो पड़ेगा। देखो 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 मेरे बेटो, कपड़े उतार लो, कपड़े पहन के नहाओगे तो ज्यादा ठंडी लगेगी। एक कपड़े की मार, फिर पानी की मार। चल ले बेटा, तू मेरा उतार, तेरा वो उतारेगा, उतार। शमशान से आने वाला व्यक्ति बाहर से ही नहीं अंदर से भी अपवित्र हो जाता है। नीम चबाओ, पवित्र हो जाओ। ग्रैंडपा, ये नीम का पत्ता खाने से आदमी कितने दिन प्योर रहता है, मतलब आई मीन शुद्ध रहता है? नीम कोई टिटनेस का इंजेक्शन नहीं है कि एक बार लगाने से 6 महीने तक असर रहेगा। रोज शमशान से आओगे तो रोज नीम खाना पड़ेगा बेटा जी। जल्दी चबाओ नहीं तो ठंड और लगेगी।
अब ये लीजिए छोटे मालिक। ये क्या बाबूजी? बेटा जी ये गौमूत्र। हमारा सारा प्लान तुम्हारे दादा के चमचे भैरों ने सुन लिया। ओह नो डैड, आज मैं इसको इसको ही काट डालूंगा। चल बच्चे। आइडिया देना मेरा काम है, बाकी अमल करना तुम्हारा। किसकी खोपड़ी किसका आइडिया किसका है ये दिमाग, देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते है सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश, बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम।